तो भैया इसका फायदा हर व्यक्ति को होने वाला है, हमारी माताओं को, बहनों को, भाइयों को, चाचाओं को, चाचियों को, दादाओं को, दादियों को, सबको इसका फायदा होने वाला है, जो भी है सबको इसका फायदा होने वाला है। तो भैया स्टार्ट करते हैं काम, और अगर आपको टेस्टिंग करवाना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पे अभी संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। राम राम किसान भाइयों, तिवारी जी की लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भैया राम राम किसान बहनों, तो भैया आज हम बहुत ही शानदार चीज लेके आए हुए हैं। अभी तक आपने जैसे पुराने वीडियो में देखा तिवारी जी की लाइफ पर, और काफी मतलब हजारों लोगों का फायदा भी हुआ है उस चीज से, तो हमने सोचा एक नया वीडियो आपके लिए लाया जाए। लेकिन इस बार हम कुछ नया करने वाले हैं, क्योंकि तो हमारे चैनल पर हमेशा कुछ नया ही होता है। अभी तक आपने देखा होगा कि जो हम मशीन से टेस्टिंग करते हैं एक प्रकार से करते हैं, एक मशीन द्वारा करते हैं, लेकिन हमारे नागर जी इस बार आपके लिए एक नहीं, दो नहीं, पूरी की पूरी तीन मशीन लेके आए हुए हैं। तीन मशीन द्वारा आपकी पानी की टेस्टिंग होगी, और हर पॉइंट आपको बता देंगे कितनी दूरी, कहाँ पे आपको किस तरीके का पानी मिलने वाला है। आपको पता है मेरे को इसका ज्यादा जानकारी तो है नहीं, तो मैं बोल भी नहीं सकता हूं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम बात करेंगे नागर जी से। सर राम राम। राम राम साहब। सर कैसे हैं? बस बहुत बढ़िया तिवारी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका पुराना वीडियो बहुत सक्सेसफुली रहा और लोगों ने बहुत पसंद किया, काफी सारे किसानों को बहुत फायदा भी हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, उन सबकी ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। सर आपको बधाई। जो सर आज हम क्या दिखाने वाले हैं? आज तिवारी जी, अभी हम लोग जो एक तरीके से जो एक मशीन से हम बोरिंग टेस्टिंग करते थे, अब इसको और हमने उस रिजल्ट को परफेक्ट करने के लिए 99% तक ले जाने के लिए अभी इसमें दो मशीनें और ऐड कर दी। तो सर सबसे पहले हम बताना चाहेंगे उस मशीन को उठाओ जो शुरुआत हमने जिससे की थी। हमने तिवारी जी सबसे पहले इस मशीन से की थी, इसका वीडियो आपने देखा हुआ बिल्कुल है। और इसमें हम मशीन का पॉइंट क्या है कि छोटे प्लॉट पे तो बहुत इजीली हो जाता है, बिल्कुल। जब हम खेत में जाते हैं, खेत किसानों का, किसी का 5 बीघा का है, किसी का 15 बीघा का है, किसी का 25 बीघा का है, तो वहां पर इसको लगाकर बार बार रिपोर्ट निकालने में हमें काफी समय लगता है। अभी इसका हम लोगों ने ये किया है कि एक नई तरह की मशीन लाए हैं, ये पूरी लॉन्ग रेंज मशीन है, बिल्कुल। ये दूसरे नंबर की मशीन है। और इस मशीन का सबसे अच्छा वर्किंग ये है कि खेत में जो हमारे खेत में पानी की किस जगह से पानी बह रहा है उसको पकड़कर और ये मशीन वर्किंग करती है। इस मशीन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि एक तो हम बहुत लंबा एरिया इसमें कवरेज कवर कर ले, तो उससे क्या है कि हमको अच्छा से अच्छा पॉइंट मिलता है इसमें, और उससे हमारे खेत का भी जो है ना पूरा सर्चिंग हो जाता है। कम ही समय में हम पूरा खेत को सर्च कर ज्यादा सर्च कर सकते हैं इसमें मशीन इसका। और भी फिर जो पॉइंट हमारा निकलता है, हम इस पॉइंट पे जो निकालते हैं, फिर हम एक और इसमें मशीन लिया है। ये काफी मतलब मुझे ये लग रहा है ये काफी आधुनिक मशीन लग रही है। बिल्कुल, थोड़ा सा इसको हम दिखाना चाहेंगे इस मशीन को। ये बिल्कुल आधुनिक मशीन लग रही है और नए तरीके की मशीन लग रही है। बिल्कुल, मैं एक तरह से तिवारी जी कहूं कि हम जो इस मशीन से जो रिपोर्ट निकालते हैं, ये एक तरह से उस बोर पॉइंट का एक्सरे था पूरा। हाँ एक्सरे था। हाँ। इस मशीन का जो रिपोर्ट निकलता एक्सरे था। और हम जब इस मशीन को लगाकर उसमें टेस्ट करते हैं तो MRI की तरह मतलब नसों नसों की हर चीज पता चल जाती। बिल्कुल बिल्कुल, तो इससे हमको ये पता पड़ जाता है कि हम इसमें मतलब 300 फीट, 500 फीट, 1000 फीट, 1500 फीट तक की डेप्थ में उसको किस लेवल पे पानी, किस तरह का पानी या कितने फ्रैक्चर्स हैं, किस तरह का उसको हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक मिलेगा, उसका एनालिसिस लगता है। बिल्कुल, तो उससे इसका परफेक्शन 90% उठ के 99% चला जाता है। बिल्कुल, तो किसान भाइयों अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए जिस चीज का आप इंतजार कर रहे हैं बरसों से, वो आपका बोलते ना पूरी होने वाली, मंशा पूरी होने वाली है। तो हम यहाँ पर आप देख लीजिए, हमारा ग्राउंड देख लीजिए कितना बड़ा है। यहाँ पर हम टेस्टिंग करेंगे और पॉइंट निकालेंगे, फिर आपको बताएंगे, रिपोर्ट भी जनरेट करेंगे, हर चीज आपको हम दिखाने वाले हैं। तो किसान भाइयों हम जा रहे हैं फर्स्ट मेथड करने, पॉइंट निकालने। देखते हैं पहली मशीन से हम किस तरीके से पॉइंट निकालेंगे। सर स्टार्ट। ये हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जब लॉन्ग रेंज में हमको बड़े खेतों में देखना रहता है तो हम इसी तरह से मशीन को लेकर एक डायरेक्शन में चलते हैं,
जहाँ उसको डायरेक्शन मिलता है मशीन अपने आप अपना डायरेक्शन बता देती है। फिर हम उस डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं। भैया ये हम चल रहे हैं डायरेक्शन में, ये देखिए यहाँ पर कुछ बता रहा है, ये मशीन ने यहाँ पर कुछ बताया है। अब हम इसको रिकन्फर्म करेंगे, रिकन्फर्म करते हैं। ये हम लोग ला रहे हैं मशीन, जब हम इस तरह से चलते हैं जहां पर भी मल्टीपल फ्रैक्चर्स आएंगे मशीन अपने आप 180 डिग्री घूम जाता है उसमें। ये अभी घूमना शुरू हुआ है और यहाँ आकर इसने पूरा मूव कर लिया और इसका साथ में आवाज भी चेंज हो गया। अब इस पॉइंट को हम जो है सभी तरह से चेक करके फिर हम इसमें अपनी सेकेंड प्रोसेस थर्ड प्रोसेस फिर करते हैं। ये वाला पॉइंट हमने बना दिया, अब हम चलेंगे सेकंड आधुनिक मशीन द्वारा टेस्टिंग करेंगे। बिल्कुल, उसमें अपना जो है पूरा ग्राफिक्स निकालेंगे 10 मीटर और उसके बाद में हम लास्ट पूरा सैनिटी सारी चीजें हम निकालेंगे, कितना पानी और सब। तो चलते हैं सेकंड मशीन की तरफ, थर्ड चलते हैं। सर रेडी है? बिल्कुल रेडी। चलो सर चलते हैं, पॉइंट निकालते हैं। यहाँ पर सर पॉइंट मिला है, ये पॉइंट अपन ने लॉन्ग सर्किट में भी देख लिया था। अब अपन ने रिपोर्ट के हिसाब से जो आ रहा था अब उसकी रिपोर्ट निकाल रहे हैं, इस मशीन से रिपोर्ट निकाल। बिल्कुल रिपोर्ट आ चुकी है सर, क्या है रिपोर्ट? क्या रिपोर्ट में तिवारी जी बढ़िया आ रहा है, 73% फिल्मेबिलिटी बता रहा है। इसके अलावा 2.25 इंच करीब 4330 LMH पानी बता रहा है, 2.25 इंच के करीब का पानी बता रहा है वो। इसके अलावा ये बता रहा है अपना सोर्स जो है 122 मीटर, 123 मीटर और 170 मीटर, इसके अलावा 225 मीटर, 6.5। तो किसान भाइयों देखिए यहाँ पर थर्ड जो मशीन हम लेके आए हैं, नई थर्ड मशीन, तो उसकी तैयारी चल रही है किस तरीके से उस मशीन को लगाना है। जैसे हमने एक एरिया नाप लिया है, इस एरिया के अंदर जाकर हमको जो भी पॉइंट मिला है वो पूरा बता देगी, कहाँ पे पानी है, कहाँ पे पत्थर है, कहाँ पे क्या है, सब कुछ आपको पता चलने वाला है। तो सर से भी जानते हैं किस तरीके से यहाँ पर देखिए तैयारी हो रही है। तो सर ये सब वायर गाड़ना सब लगाना पड़ता है? हाँ तिवारी जी, इसमें क्या है कि जो हमने पॉइंट सर्चिंग किया है, हाँ हाँ, अब हम इसका MRI कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, जो पहले मशीन थी उससे एक्सरे करते थे वो भी हम करेंगे, ताकि इसमें हमको कितना सैलिनिटी, कितना गहरा, कितना प्रीमिबिलिटी मिल रहा है। लेकिन इस मशीन से क्या, हम जब इस पे करेंगे तो हम इसका एक पूरा 10 मीटर की दूरी से हम इसको लेंगे, तो इसका अंदर तक का जो है पूरा स्ट्रक्चर हमको समझ में आ जाए। जो हमने पॉइंट निकाला है, हाँ, ना, हमने सेंटर में रखा है, हाँ, और इधर भी थोड़ा दूर और बराबर दूरी पे रखा है। बिल्कुल, 5 मीटर इधर, उसका एक टेक्निक होता है वो इंटरनल, कि उसको किस तरह से मेथड करता है, उस मेथड से फिर हम इसको रखकर एक बार जैसे फील्ड में हम कंफर्मेशन लेते हैं, एक बार ऐसा रखकर, एक बार ईस्ट वेस्ट में, एक बार नॉर्थ साउथ में, ऐसे अच्छा। दो रिपोर्ट्स भी निकालते हैं हम कई। अच्छा, तो अभी अपन इधर रखा है, इधर भी रखना पड़ेगा, ऐसा रख सकते हैं, हाँ, पर एक एक तरीके से ही उसमें हो जाता है वर्किंग, लेकिन अगर है तो हम वैसे लग रहा है, अगर संतुष्टि किसी को नहीं हुई है तो वो भी कर सकते हैं, सिर्फ वो सेकेंडरी हम रखते हैं कंफर्मेशन के लिए। चलते हैं देखते हैं कि किस तरीके से काम हो रहा है यहाँ पर, थोड़ा सर का भी मेहनत बढ़ गई है। अपना बोर पॉइंट सेलेक्ट किया है, अब हम इस मशीन से जो है इसका पूरा रीडिंग्स लेंगे एक 10 मीटर का, ठीक है, और फिर उसमें से हम देखेंगे कि यार हमने जो पॉइंट निकाला है
उसके आसपास का स्ट्रक्चर कैसा आ रहा है, ठीक है, क्या सारी चीजें हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं सर। है ना, मैंने मशीन स्टार्ट कर दिया, अपना वायरिंग पूरा लगा दिया है, मशीन को यहाँ से टेस्ट कर दिया है मैंने। इसमें अभी 1000 फीट 300 मीटर का एक वो लिया है, वैसे हम जगह के हिसाब से इसमें 300 फीट 500 फीट 1000 फीट और 1500 फीट तक की डेप्थ ले सकते हैं, पर अभी हमने इसको जो है 300 मीटर का किया है, मतलब 1000 फीट का किया है। हाँ, ठीक है, मतलब बहुत अच्छा है, मतलब इसमें मीडियम आ जाता है, 500 से 500 और कहीं पर 500 से अगर 700 भी है तो हम उसका 1000 का ले लेते, ताकि उसको कभी और गहरा जाना पड़ा या ऊपर ही करना रहा तो सारी चीजें क्लियर हो जाती है। तो सर स्टार्ट करते हैं इसका काम। अब जैसे हमने इस पॉइंट को रखा है, मशीन स्टार्ट हो गई है, ये इसकी रीडिंग आना शुरू हो गई है, थोड़ा सा धूप की वजह से कोई इशू नहीं है। इस पूरी प्रोसेस को करने में तकरीबन 1 घंटे के करीब लगता है इसको, तब जाकर ये एग्जिट पूरा हमको। तो भैया वीडियो 2-3 घंटे का होने वाला है। ठीक है, देखना। रिपोर्ट जनरेट हो चुकी है जी, तो सर क्या बता रहा है? इसमें जो पॉइंट हमने सेलेक्ट किया था, यहाँ पर हमने मेन तो इसका कितना फिट पे कौन सा फ्रैक्चर बन रहा है, किस तरह का स्टोन आ रहा है, उन सभी चीजों का देख रहे हैं। यहाँ पर जो इसके फ्रैक्चर्स आ रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पर 180 फीट से 200 फीट पर पानी मिलेगा। दूसरा रेंज है यहाँ पर 300 से 350 फीट का रेंज है, मिलेगा यहाँ पर। कितना पानी, कितना इंची पानी मिलने वाला है यहाँ पर? इस मशीन से पानी का अंदाजा नहीं लगता है। अच्छा, इसमें तो मेन कितना पानी इकट्ठा हो रहा है वो पता चलता है, किस तरह का आपको रॉक्स मिलेगा। अब जैसे 500 फीट के बाद यहाँ मशीन बता रही कि यहाँ पर 500 से 600 650 के फीट में हॉट रॉक मिलेगा। है अगर हम घर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या उसमें कर रहे हैं, तो अगर इसमें हमको एक चीज ये देखने को मिलती है कि यार मान लीजिए हमको और पानी चाहिए या उसमें और नहीं बन रहा है, तो हमने इसमें 300 मीटर तक का एक रेंज निकाल रखा है। ठीक है, है ना, जिससे क्या है कि आगे कभी भविष्य में हमको और गहरा कराना पड़ा इसे, तो हम इस रिपोर्ट के अनुसार इसमें 200 250 फीट और नीचे भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना। हाँ, तो इस इसका जो मेन हम जब ग्राफिक्स निकालते हैं, तो इससे हमारा 0 मीटर से लगा के 1000 फीट तक का हमने रीडिंग्स लिया है, उसमें वो सारा हमको इसमें दिख जाता है इस चीज से कि यार हमने जो चीज ढूंढा है उसमें वो फ्रैक्चर्स कितना अच्छा प्रोवाइड हो रहा है इस समय। तो इसमें पानी की शुद्धता भी पता चल जाती है, कितने परसेंट खारा है, क्या कैसा नहीं, वो अपना जो वो पूरा मशीन है, जो मशीन पहले हम जिससे रिपोर्ट्स निकालते थे उसी से इसका पता पड़ता है। शुरुआत पॉइंट निकाला, वो एक लॉन्ग सर्चिंग मशीन है जिससे हमने पानी का सोर्स निकाला है, वही सोर्स हम उस मशीन से भी निकालते थे जो पहली मशीन है। पर अभी अब हमारे पास तीन कैसा हो गया, हमने लॉन्ग सर्चिंग में एक पॉइंट सर्च किया, उस पॉइंट को हम लोगों ने पूरा ग्राफिकली देख लिया कि यार 1000 फीट तक में आपको किस तरह का सोर्स, कितना उसमें फ्रैक्चर्स मिल रहा है, वो सारी चीजें देख ली, तो वो एक श्योरिटी हो गई। अब तीसरी चीज क्या है कि इसमें कितना सैलिनिटी है, कितना इंचेस पानी है, उसका अंदाजा हम उस मशीन से लगा सकते। तो इस तरह से क्या है कि ये तीनों रिपोर्ट्स अगर एक ही जगह की सेम बैठती है, तो उसका परसेंटेज जो 90 था वो 99% के हो जाएगा। तो एक ही पॉइंट को हमने एक तरीके से तीन तरीकों से चेक किया। तो भैया आप सभी जानते हो कि आपने रिपोर्ट देख ली, आपने दो रिपोर्ट देख ली, तो देखा होगा आपने कि इनसे हमने तीन तरीके से वेरीफाई किया चीजों को, उसका पॉइंट निकाला। क्योंकि आप सभी लोग जानते हो पानी की बहुत ज्यादा समस्या है हर जगह। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारा निवेदन है हर व्यक्ति से, जो व्यक्ति भी घर मकान बनाते हैं, तो उनसे मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप वाटर रिचार्जिंग जरूर करवाएं, तो वाटर हार्वेस्टिंग भी बोलते हैं, तो आप ये जरूर करवाएं। इससे क्या होगा, आप अगर पृथ्वी को पानी नहीं दोगे तो पृथ्वी आपको पानी कहाँ से देगी। तो जब भी बरसात का पानी आए, आपकी छत पर आए, तो आप वाटर रिचार्ज जरूर करवाओ। तो बस भैया आज के लिए इतना ही। अब आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको इस तरीके से टेस्टिंग करवाना है, क्योंकि बहुत सारे लोग पानी से पीड़ित हैं, तो आपको इस तरीके की जांच करवाना है, क्योंकि भगवान सर भी नहीं है, हमारा काम है कर्म करना। मतलब अब टेस्टिंग हम करते हैं, कभी कभी चीजें फेल भी होती हैं, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि हर रिजल्ट 100% मिले। मैंने सर ने भी बोला 99%, अब इन तीन मशीन द्वारा पहले जो 90 था अब 99 हो गया है।
तो आप सर से संपर्क कर सकते हैं, दिए हुए डिस्क्रिप्शन में नंबर में अभी फोन लगा सकते हैं। तो सभी किसान भाइयों से और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी से सबसे निवेदन है कि जब भी बोरिंग कराएं तो उसका वाटर रिचार्जिंग का काम जरूर करवाएं, बारिश का पानी एकत्रित जरूर करें। तो बस इसी शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, राम राम जी।